सो है वॉट्स अप माय ट्रैवल फैमिली, दिस इज अरिंदम, यू आर वाचिंग थोड़े व्लॉग्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई ऐसे ही अलग से सेटअप देख रहे हो गए, बैग बुक टाइप है, स्कूल से नहीं भाग के वीडियो बना रहे भाई हम लोग, एक एम्प्टी सा जगह में आए, कदे रील वील बनाएंगे टिकटॉकर की तरह, ठीक है। इसलिए दैट्स व्हाई मैंने सोचा एक न्यू मॉडिफिकेशन पे वीडियो बना लेते हैं। तो पीछे देख ही रहे होंगे आप ब्लू बर्ड, तो क्या क्या न्यू मॉडिफिकेशन मैंने किया है वही दिखाने वाला हूँ। एंड भाई कदे जहरीला होने वाला इस बार, क्योंकि अगले बार जो मॉडिफिकेशन मैंने छोड़ के रखा था उसमें कंप्लीट नहीं था, काउल वगैरह तो था, बट इस बार मेरा पूरा कंप्लीट है गाइस। तो देख लेते हैं क्या क्या मैंने मॉडिफिकेशन करके रखा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल देता हूँ, अगर आपने भाई को फॉलो नहीं करके रखा है इंस्टाग्राम पे, नीचे आईडी स्प्लैश हो रहा होगा, डू फॉलो मी। ऐसे ही जो है जहरीला कपड़ा पहन के हम लोग रील वील बनाते हैं लेट लूट के, ठीक है। तो जाओ जल्दी से फॉलो कर लो। एंड अगर आप लोग फेसबुक पे हो तो फेसबुक पे भी आपका भाई वीडियोस अपलोड करता है जो यूट्यूब में करता है, तो उसका छोटा मोटा क्लिप फेसबुक में भी जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो फेसबुक पे छोरल ब्लॉग सर्च करना एंड भाई को फॉलो कर लो जल्दी से। एंड अगर इस मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहा आपको या क्वेश्चंस रहा, देन डीएम मी एट इंस्टाग्राम एंड डू फॉलो मी देयर, तो आपका भाई डिटेल में सब बता देगा। एंड ये प्रोडक्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, कते उंगली देर दबा के मारो एंड खरीद लो, ठीक है। एंड और एक जगह उंगली दबा के मरना है, वो है सब्सक्राइब के बटन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it, you know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic, keep my face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a weird disease. But I won't let it get to me, I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this, freedom is priceless. Spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you... सो गाइस जैसा देखा सिनेमैटिक, बात करते हैं फ्रंट से। एंड ओवरऑल आप देख ही पा रहे होंगे एंड सिनेमैटिक में आपने देखा ही होगा, तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। एंड फ्रंट में देख पा रहे हो तो इससे पहले मैंने ये वीडियो बना के रखा है, बट फिर भी डिटेल में फिर से बता देता हूँ रिसेंट मॉडिफिकेशन का वीडियो में जो है। ये ड्यूअल बबल मिरर्स ओपन कर देता हूँ, हाँ। तो ये जो है ड्यूअल बबल वाइजर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है, जो कि वी कटिंग वाला एंड काफी जहरीला लुक आ रहा है। एंड मेन चीज जो है गाइस वो है ये स्टिकर वर्क, भाई काफी जत्नोजहद या फिर मेहनत करना पड़ा हमें ये स्टिकर वर्क करने के लिए। ये कोई भी मशीन में कटआउट नहीं किया है, कहीं पे भी नहीं निकल रहा था। तो अपन लोगों ने क्या किया, मैंने भास्कर भाई ने दिमाग लगाया एंड कैंची से स्टिकर काट करके डिजाइन कर करके ये जो है एक कस्टम डिजाइन बनाया हम लोगों ने। तो क्या कर सकते हैं भाई, कहीं पे निकाल नहीं पा रहा है तो अपन लोगों ने निकाल लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंस्टॉल दिस वी कटिंग डबल बबल वाइजर एंड हेडलाइट पे देख सकते हो आपने मैंने स्मोक करके रखा है, ठीक है। एंड KTM वाले इंडिकेटर्स इंस्टॉल करके रखा है एंड फ्रंट में ये विंगलेट, तो फ्रंट लुक काफ़ी डिफरेंट हो जा रहा है। ये डुअल बबल वाइजर, स्टिकर वर्क, विंगलेट एंड इंडिकेटर। तो अभी चलते हैं साइड लुक पे। तो साइड लुक की मेन चीज़ है गाइज मेरा मोटरसाइकिल का, देख सकते हो तो एक डिफरेंट वाला लुक आता है, नॉर्मल पल्सर 220 नहीं लगता है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ साइड वाइज ये बैराकुडा का बैलेंसर जो है बैराकुडा, तो जैसे मैं बोल रहा था साइड लुक में जो है ये बैराकुडा का बैलेंसर है एंड दिस इज आरसीबी लिवर गार्ड, ठीक है, जो कि हद से ज्यादा सस्ता है। एंड मेन चीज जो है गाइज ये एफजी का स्कूप जो फ्रंट में, जो कि एक फुल्ली फेयर्ड वाला लुक आता है, दिखने में काफी गॉर्जियस लगता है, काफी भाई ने बोला। तो इस पे एक डिटेल भी वीडियोज है एंड इंस्टाग्राम पे पूछ रहा था काफी भाई ने कि कहाँ से लिया, तो आप गूगल कर सकते हो एंड यामा का स्पेयर पार्ट जहाँ पे मिलता है वहां से आराम से परचेस कर सकते हो। तो ये रहा साइड लुक एंड ये ग्राफिक्स जो है और भी ज्यादा एरोडायनामिक्स वाइजर को प्रोवाइड कर रहा है, एरोडायनामिक लुक। एंड फ्रंट लुक जो है कंप्लीट हो गया है, पूरा लिवर गार्ड भी इंस्टॉल कर लिया है मैंने, देख सकते हो छोटा छोटा डिटेल पे भी ध्यान रखा गया है। एंड मोटरसाइकिल जो है पूरा सेरेमिक कोटिंग मैंने रिसेंटली किया है, भास्कर भाई ने किया है, तो देख सकते हो क्लोजर से मैं दिखा दे रहा हूँ, कतई चमक रहा है, ठीक है, पॉलिश उलिश से इतना नहीं होता है, सेरेमिक थ्री लेयर किया है, रबिंग वगैरह जो होता है कतई घिसा है, तीन साल से घिसने के बाद जो है यहाँ पे पूरा ऐसा साइन आया, क्योंकि मेरा मोटरसाइकिल काफ़ी गंदा था। तो ओवरऑल सेरामिक जो है भास्कर भाई ने किया है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सेरामिक कोटिंग एंड अगर आप कोलकाता से हो देन नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे दे रहा हूँ, वहाँ उसके साथ कॉन्टैक्ट करो एंड अगर ये वीडियो देख के आप उसको फ़ोन करोगे तो स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे तो 1999 हमारा सेरामिक कोटिंग का प्राइस है, थ्री लेयर सेरामिक विद रबिंग एंड पॉलिशिंग। तो जल्दी से भाई को कॉन्टैक्ट करो एंड उसके इंस्टा आई डी भी मैं दे दूंगा। सो जो बोल रहा था अभी चलते हैं, साइड लुक हो गया, फ्रंट लुक हो गया। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स है वो अभी तक नहीं देखा है कि ये दिस इज दी R15 V3 पैनल, तो यहाँ पे थोड़ा नॉइज है, डू कंसीडर दैट। तो रियल लुक भाई, फ्रंट लुक में डीवी वाइजर हो गया एंड रियल लुक में ये V3 का पैनल जब तक नहीं लगा है भाई चार चांद आया ही नहीं, क्योंकि एकदम छोटा सा लंबा सा था। क्या बोला तूने? छोटा सा लंबा सा था एंड उसको मार मार के ऐसा बड़ा कर दिया, वाइजर अटैच करके बड़ा कर दिया, जो भी बोल रहा था। हाँ, तो ये काउल वगैरह देख सकते हो, हद से ज्यादा सस्ता काउल, ठीक है, घर में बाल्टी मोग उग पड़ा रहेगा तो आप ऐसे काट के जोड़ के ऐसे काउल बना सकते हो। सो बाय द वे आई एम किडिंग, तो ये काउल देखो भाई, ये काउल मैंने जो है चिप मंक मेरा एक ब्रो है वो लोग बनाता है कस्टम मेड काउल अंडरवेली वगैरह, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज दिस प्रोडक्ट देन डिस्क्रिप्शन से आप जाके इंस्टाग्राम पे वो लोगों से जो है कमेंट करके एंड बात कर सकते हो एंड ज़रूर से बोलना कि थॉडल ब्लॉग्स का वीडियो देख के आया हूँ, तो आपको कम से कम 200 से 300 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़रा भाई लोगों ने तो खरीदा है एंड इफ़ यू हैव पल्सर 220 देन आप भी खरीद सकते हो। तो रियर प्रोफाइल में मैं बोल देता हूँ, आई इंस्टॉल्ड दी बैक सीट काउल V3 पैनल एंड शॉर्ट टेल टैडी, जो कि पूरा डिफरेंट लुक आ रहा है मोटरसाइकिल से एंड इफ मैं एग्जॉस्ट हटा देता हूँ तो पीछे से कोई देख के एक बार में नहीं बोल पाएगा कि पल्सर 220 है, तो 360 व्यू आप देख ही सकते हो। इससे पहले तो मैंने बना के रखा बट डिटेल में मैं दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पांच चीज, ये पांच चीजों की वजह से मोटरसाइकिल मेरा एनहांस हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल FZ का स्कूप, सेकेंड V3 का पैनल, थर्ड काउल, फ्रंट जो है डीवी वाइजर एंड फिफ्थ जो है वो है ये स्टिकर वर्क। ये स्टिकर वर्क पूरा एरोडायनामिक्स को दिखा रहा है एंड पूरा एकदम बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग बाकी कमेंट करो, मेरा बाइक मुझे तो अच्छा लगेगा ही, ठीक है। तो अभी आप लोग कमेंट करके ज़रूर से अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना, ठीक है। एंड मेन जो चीज़ है गाइज, ये नट कवर्स देख सकते हो जो कि R15 में लोग लगा रहे हैं एंड मैंने भी दो तीन जगह है वहाँ पे लगा रख के रखा है, जो कि थोड़ा थोड़ा डिटेल मैटर करता है गाइज, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये ऑयल कैप कवर, ये नट्स देख सकते हो, डैशबोर्ड का पार्ट एकदम डिफरेंट लग रहा है स्टॉक पल्सर 220 से। दिस ब्लाइंड स्पॉट मिरर, तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, जब मैं बैठता हूँ बैठ कर दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा एकदम अलग लगता है, स्टॉक पल्सर 220 एकदम अलग है। यहाँ पे नट कवर है, ये ब्लू कलर का बैराकुडा का बैलेंसर है, यहाँ पे जो है ब्लाइंड स्पॉट मिरर, लिवर गार्ड, ऑयल कैप कवर, तो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। थोड़ा थोड़ा चीज़ अगर आप मिला दोगे तो वो सब चीज़ एक साथ होके आपके मोटरसाइकिल को एक डिफरेंट लुक बना देगा। सो गाइस, जैसा देखा आपने वीडियो में, तो होप सो वीडियो अच्छा लगा। तो छोटा छोटा चीज़ मिला के आप कैसे एक बड़ा चीज़ बना सकते हो वही मैंने दिखाया एंड इससे पहले भी पल्सर 220 पे जो है ढेर सारा वीडियो मैंने बना के रखा था, बट ये वाला वीडियो थोड़ा अलग था क्योंकि काउल पैनल वगैरह एक डिफरेंट लुक दे रहा है एंड आई एम बेटिंग कि इससे पहले इतना कुछ फुल्ली लोडेड मॉडिफाइड पल्सर 220 आपने नहीं देखा है। तो 19-20 देखा भी होगा तो फिर क्या है, एकदम डिवाइडेड रहता है, कोई ये इंस्टॉल करता है नहीं करता है, बट इससे ऊपर आई डोंट थिंक सो कि एक एक्सेसरीज एंड रेसिंग स्पोर्ट लुक मॉडिफिकेशन जो होता है, ठीक है, वो मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इससे ऊपर और क्या करूँ, लिवर गार्ड नहीं लगता है, काउल नहीं लगता है भाई, फोक्स लाइडर भी मैंने इंस्टॉल करके रखा है, मतलब गाड़ी को स्टॉक रख के, ठीक है, गाड़ी का माप है नहीं करके नहीं, जैसे और भी मॉडिफिकेशंस लोग कर रहे हैं यूट्यूब में, ठीक है, स्विंग आर्म चेंज कर दे रहे हैं, USD फोक्स, अरे भाई ओरिजिनलिटी का माप है हो जा रहा है भाई, ओरिजिनलिटी रख के आप कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते
एंड एक मिनिमम प्राइस पे जो है मॉडिफिकेशन करके अपने मोटरसाइकिल को कैसे एक हेटर्नर लुक दे सकते हो वही मैंने बताया, ठीक है। एंड इससे पहले भी वीडियोस है तो एकदम ये चेंज करके भाई कहते हैं R1 का हेड लगा दिया, निंजा का टेल लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे भाई क्या बोलू जेड एक्शन आर का चैसिस लगा दिया। भाई चैसिस में तो वेल्डिंग मत ही करना, कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो एकदम स्टॉक रह के गाड़ी का ओरिजिनलिटी रख के आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो वही मैंने दिखाया। एंड होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा, एंड ज्यादा ज्यादा चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरा कर दो। अभी दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है, बट पता है आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो जल्दी से हो जाएगा। तो एंड फिर एक महंगा वाला GoPro भी लेंगे अपन लोग, ठीक है, भास्कर भाई की तरह। तो टिल देन बी सेफ, स्टे इन टू थर्टल ब्लॉग्स, दिस इज आवर इंडियन साइनिंग ऑफ थर्टल ब्लॉग्स, बाय।